यहाँ ये घर था और दुकान थी नीचे, और ये सामने ट्रक है जो इसमें घुसा था और ब्रेक फेल हो गया था। What's up guys, I'm प्रतीक राय और मैं आज एक धर्म संकट में हूँ जिससे आपको मुझे निकालना पड़ेगा। मैं अपनी बाइक को सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ और आपको बताना है कि मुझे सेल करनी चाहिए या नहीं, जो कि है ये। तो इसे मैं सेल करूँ या ना करूँ, काफ़ी बड़ी दुविधा है। तो इस दुविधा से आपको निकालना है। ये है RR 310 और इसकी जगह जो मैं बाइक इसको रिप्लेस करने के लेने के बारे में सोच रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको, कल के दिन मैंने बहुत बड़ी दुर्घटना देखी, कई सारी दुर्घटना देखी, पर कल मैं जल्दी में था और मैं दूसरे चैनल के लिए एक रिव्यू वीडियो शूट कर रहा था कार का। हेलो MG। Hi, how can I help? Please open sunroof. तो इसलिए मैं उन सब वीडियो को नहीं शूट कर पाया, पर आज मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट में और मेरे एरिया में जो भी कल हुआ उसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और अब चलते हैं। हाँ, हम पहुँच गए हैं जहाँ वो ट्रक शायद अभी भी खड़ा है और लोडेड ट्रक था ये पूरा। ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं ये ट्रक था और ये टॉप में घुस चुका था। हाँ, ये घर था और दुकान थी नीचे, और ये सामने ट्रक है जो इसमें घुसा था और ब्रेक फेल हो गया था। इनने पूरा जो दुर्घटना हुई थी इनने देखा है और ये आपको पूरा बताएं कैसे कैसे हुआ था। सामने से ट्रक आ रहा था और यहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ऑटो पे टक्कर लगी और घर से दो तीन लोग हिल के गिरे, ऑटो वाला दम यहीं पे तुरंत ख़त्म हो गया, ड्राइवर निकला, सामने से हम लोग के दो लोग एम्बुलेंस से निकाल के ले गए पुलिस वाले, फिर अस्पताल में आप पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। बहुत भीड़ लगी थी यहाँ पे, ये दुकान वाले भी ऊपर से नीचे आ गए थे, ऊपर सो रहे उस टाइम पे दुकान में थे कि दुकान में नहीं थे, ऊपर सो रहे थे, खड़बड़ा के नीचे आ गए, घर हिल गया था पूरा, पूरा घर हिल गया था। बचे जो दुकान वाले थे वो बचे, वो बच गए, माता जी थी वो भी बच गई, ट्रक वाला शायद बचा कि नहीं बचा बिल्कुल, हाथ नहीं बचा, ऑटो वाला खत्म हो गया, तुरंत यहीं पे खत्म हो गया था। यहाँ आप अपने सामने देख रहे हैं यहीं पे जो है ये ट्रक घुसी थी, कल सुबह 6 बजे की दुर्घटना है। तो आपने देखा क्या भयंकर हादसा रहा होगा। बहरहाल अब जो मेरा मेन मकसद है, मेरा टॉपिक है, वो है कि मैं बाइक सेल करूं कि नहीं करूं। देखिए, जो मैं बाइक रिप्लेस करने की सोच रहा हूं जिस बाइक से इसे, वो है G310R BMW की। तो मैं सेल करके उसे लूँ कि नहीं लूँ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और वैसे मुझे इसमें कोई कमी इस तरह से महसूस नहीं हो रही है, और अभी स्लीपर क्लच आ गया तो मैं स्लीपर क्लच भी लगवा लूँगा। पर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मुझे सेल करनी चाहिए और उसे लेना चाहिए कि नहीं। और इसके साथ मैं अगली वीडियो में उसकी राइड पे भी ले चलूँगा आप लोगों को, कि उसकी राइड किस तरह से टेस्ट राइड लेंगे, और उसके बाद अगर मुझे वो पसंद आई तो वो ले लेंगे, नहीं तो इसमें ले चलेंगे आपको अगले ब्लॉग में स्लीपर क्लच लगवाने। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सी यू अगेन।